let it bang bang. Hey, sorry. आपने देखा अभी ट्रेन लिया और इसके नीचे से हमको रोज़ जाना पड़ता है, इधर कोई इंतज़ाम ही नहीं है, क्या बोलें आप, सब लोग ऐसे ही जाते हैं। चलो मैं भी अभी जाता हूँ, ठीक है। जैसे कि आपने देखा अभी मैं ट्रेन में नीचे हूँ, साइकिल को पार कर लिया, मैं रोज रात को आता हूँ ऐसे साइकिल पार करता हूँ। यह है अधिकारी स्टेशन, ये है हमारा स्टेशन, ठीक है, स्टेशन हाँ बकवास स्टेशन। यहाँ पे कुछ दिन बाद ना ऐसे ट्रेन रख देता है और हम सब लोगों का ऐसा प्रॉब्लम, पता नहीं गवर्नमेंट या ये लोग इधर ओवरब्रिज का पैसा आता है शायद खा लेते हैं, पता नहीं हमारा सरकार कब दिखेगा, ये हमारा प्रॉब्लम। तो मैं एक छोटा यूट्यूबर होने के नाते ये सब दिखाया आपको, सो आप वीडियो अच्छा लगा तो ये शेयर कीजिए, शायद आपको मिले, ये हटाएगा ये नहीं, हमको क्या बोला यही प्रॉब्लम है। और दूर पे रास्ता है इधर से 2 किलोमीटर, मेरे को 5 मिनट में अगर जाना हो तो 2 किलोमीटर घूम के कैसे जाऊँ, बोलो, बाजार भी लगता है, ठीक है, और कैसा प्रॉब्लम होता है आपको भी दिखाता हूँ। तो जैसे आप देख सकते हैं रोज बाजार के दिन इतने सारे लोग यहाँ से जाते हैं, 60 ईयर ओल्ड के बूढ़े भी जाते हैं, कितना तकलीफ होता है सबको, महिला भी जाती, लेडीज़ भी जाती हैं यहाँ से। और ये है कुछ पता नहीं वो लोग कब क्या करेंगे। टोटल विफल यहाँ पर देख सकते हैं कितना छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ से जा रहे हैं। सही शब्द ओवरब्रिज भी नहीं जाता, इतना बड़ा स्टेशन है। और मैं रात को भी आता हूँ तो रात का वीडियो शायद बहुत अंधेरा होता है, क्योंकि ये जो मैं आपको रात का वीडियो दिखाऊंगा, ठीक है। ये ट्रेन तो पता ही है, इसके नीचे से मुझे को अभी जाना है, रुको इस जगह पर फोन को रखता हूँ ताकि आप लोगों को दिखा सकूँ मेरा वीडियो। आपको दिखा दिया, मैंने अभी सके पार किया, कैसे पता नहीं दिखा हुआ नहीं, कल सुबह दिखाई, चलो ओके कौन कहाँ सर। जैसे कि आपने देखा है ऐसा क्या रोज़ करने का मन करता है, अभी सोचिए पता नहीं हमारा सरकार ये रेलवे का इस क्या बोलते हैं इसको, जो भी बोलो फालतू पता नहीं कब ठीक करेंगे, ये सब ऐसे ही चल रहा है दिन। तो प्लीज़ जो जो ये वीडियो देख रहा है प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, लाइक कमेंट की ज़रूरत भी है, अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कीजिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि ये हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है, स्पेशली अधिकारी के लोग जितने सारे हैं। प्लीज़ इस वीडियो को देखिए और एंड तक देखिए पूरा, और ये कुछ करना पड़ेगा हमको, नहीं तो ऐसे कब तक चलेगा यार। तो गाइस मैं अपना वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ, अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कीजिए,
और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। খড়িবাড়ি ব্লক পড়ে এবং খড়িবাড়ি ব্লকের অন্তর্গত অধিকারী রেলওয়ে স্টেশন আছে। এই রেলওয়ে স্টেশনে দীর্ঘদিন দিয়ে একটা মাল আছে পাবলিকের, সাধারণ পাবলিকের। রেল লাইন স্টেশনের অপোজিটে হাট বসে, রবিবার এবং বৃহস্পতিবার এই দিন সাধারণ পাবলিকরা এই পার থেকে ওই পার, ওই পার থেকে এই পার এবং হাট ছাড়াও এই পার থেকে ওই পার আসা যাওয়া হয়। এই ক্ষেত্রে দেখা যায় মাঝে মাঝে রেল কর্তৃপক্ষ এবং রেল রেল লাইনটা যেটা আছে মিডিলে, এখানকার ট্রেন দাঁড়িয়ে যায়। ট্রেন দাঁড়ার ফলে এখানকার সাধারণ পাবলিকের অনেক অসুবিধা হয়। এই দেখছেন রেল লাইনের নিচুন দিক দিয়ে, মানে কি বুগির নিচুন দিক দিয়ে মানুষ পার হয়। এই ক্ষেত্রে সবজি ব্যাগ ভারী ভরকম হাতে থাকে, ব্যাগ এই সঙ্গে পার হলে মাথাতে লাগে, হাতে লেগে যায়, কারোর সঙ্গে মাথা ফেটে যায়, হাত ফেটে। মাঝে মাঝে এরকম কোনো ট্রেন দাঁড়িয়ে থাকে, ট্রেনের মধ্যে উঠে মানুষ ঠাকুরগঞ্জ পৌঁছে যায়। ঠাকুরগঞ্জ পৌঁছার পরে ওনাকে কত কষ্ট হয়, ওদিকে 20 কিলোমিটার। কিন্তু অনেকবার জানানোর পরেও রেল কর্তৃপক্ষ কিন্তু আজ পর্যন্ত আমাদের এই দীর্ঘদিনের মাংটাকে পূরণ করতে পারেনি। তো আমাদের মাং আছে কি এখানটা একটা ফুটব্রিজ হোক, যাতে সাধারণ পাবলিক এখানকার জনগণের কোন রকমের কষ্ট না হোক, মা বোনের কষ্ট না হোক। দেখছেন মা বোনরা কাপড়টা উপরে করে অল্প বাজারটা বুগি নিচুন দিক দিয়ে পার হচ্ছেন, তাতে কত কষ্ট হয়। তো রেল কর্তৃপক্ষ থেকে আমার একটা দাবি আছে, এখানটা ফুটব্রিজ অতি শীঘ্র বানানো হোক, যাতে সাধারণ পাবলিকের একটু সুবিধা হোক। কিন্তু তার জন্য তো কিছু আগে একটা রাস্তা করা আছে, ওখান দিয়ে আসতে পারে লোকজন। দেখেন ওই রাস্তাটা কমপক্ষে 1.5 কিলোমিটার 2 কিলোমিটার আছে। এখন যে বাড়ির পাশে আছে তা সম্ভব না, 2 কিলোমিটার ঘুরে আসে বাজার করা, এবং স্টেশনের অপোজিটে আছে বাজার। তো স্টেশনে যদি একটা ফুটব্রিজ হয় তাতে সুবিধা হবে লোকজনের। এই বিষয়ে কি আপনারা এর আগে কাউকে জানিয়েছিলেন রেল কর্তৃপক্ষকে? অনেকবার জানানো হয়েছে কিন্তু সেরকম কোন রেসপন্সিবিলিটি পাইনি আমরা। আচ্ছা, তো বর্তমানে এখন আপনাদের দাবি এটাই যে এখানে একটা ফুটব্রিজ করা হোক, তাই তো? হ্যাঁ, একটা ফুটব্রিজ হয়ে গেলে এখানে সাধারণ জনতার খুব ভালো হবে। আচ্ছা, আপনার নাম? আমার নাম সঞ্জয় কুমার মণ্ডল, আমার পরিবারিক ব্লকের নিবাসী। আচ্ছা, ধন্যবাদ।